Good morning, everyone. Good morning from जिस्पा. This is the third day of our trip and रात को बहुत ही ख़तरनाक वाली नींद के बाद अब सब लोग बहुत फ्रेश उठे हैं. इनफैक्ट मैं तो बहुत फ्रेश उठा हूँ. बाकी देखते हैं कि भी दूसरे रूम में हमारे दूसरे पार्टनर्स का क्या हाल है. तारिक भाई ये हैं, ये भी फ्रेश फील कर रहे हैं एंड वी आर गुड टू गो. प्लान वैसे तो हमारा ये था कि अभी हमें जाना है वापस मनाली, लेकिन थोड़ा सा प्लान में चेंज आया है. चेंज ये आया है कि हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से चंद्रताल, एक छोटी सी लेक है चंद्रताल नाम की, हम सोच रहे हैं यहाँ से चंद्रताल जाएंगे. अच्छी छोटी लेक है, क्लीन एंड ब्यूटीफुल, सिर्फ 25 किलोमीटर्स है यहाँ से. सो फिलहाल ये प्लान बन रहा है कि यहाँ से पहले चंद्रताल चलेंगे एंड देन फ्रॉम चंद्रताल बैक टू मनाली. सो अभी मैं आ गया हूँ अपनी बैल्कनी में. ब्राइट एंड सनी डे है, बहुत अच्छा दिन है ट्रैवलिंग के लिए और मेरे आसपास का जो नज़ारा है बहुत ही ज़बरदस्त है. आप देख सकते हो मेरे पीछे रोड है, पहाड़ हैं और जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो फ्रेशनेस है हवा की, वो लाजवाब है. मेरे ऊपर देखिए, ये कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, मेरी कोई ऐसा जाल जैसा लेके, आई डोंट नो, पता नहीं आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा. ये देखिए, क्योंकि हम लोग लेह लद्दाख के पास हैं तो यहाँ पर आर्मी की मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं. तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ दूसरे रूम में, जहाँ पर हमारे जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं. लेट्स सी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मिस्टर अब्दुल्ला, कैसे हैं भाई? कैसी रही नींद? बहुत बढ़िया, खतरनाक वाली नींद रही है. तुम लोगों को ठीक है? बहुत जबरदस्त मजा आ गया. उमेर भाई हल्के होते हुए हल्के नहीं टूथपेस्ट मेरे रूम में है, बाथरूम में ले लो. बहुत ही ब्राइट एंड सनी डे है एंड वी आर फुल ऑफ एनर्जी एंड टुडे वी आर गोइंग टू चंद्रताल. चंद्रताल? यस भाई पक्का. चंद्रताल नहीं, सॉरी चंद्रताल, हाँ नहीं नहीं यार, चंद्रताल आप मजाक कर रहे हैं. दैट इज नॉट चंद्रताल, दैट इज दीपक ताल. दीपक ताल. ओ गाइस आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को चंद्रताल बता दिया, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. दीपक ताल, चंद्रताल तो काफी दूर है, यहाँ से जो पास में है दैट इज कॉल्ड दीपक ताल. तो हम लोग दीपक ताल जाएंगे. ओके, ऑल सेट, बैग्स पैक्ड, गाइस रेडी एंड आई एम ऑल्सो रेडी गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट. दिस इज द प्लेस वेयर वी ईट आवर डिनर, और अब ब्रेकफास्ट करेंगे. दिस इज द हाउस वेयर वी आर स्टेइंग, नाम है इसका नॉर्बुलिंग इन. ये ऊपर जो देख रहे हैं बालकनी, ये हमारे रूम की बालकनी थी और ये हमारे इस होम स्टे के चारों तरफ की लोकेशन है. ब्यूटिफुल एंड सीरीन लोकेशन. सोनम जी को बुलाओ यार. सोनम जी खाना भी अच्छा है, साफ सुथरा सिंपल सा खाना है, पेट भी साफ हो गया, खाना इतना बढ़िया था. कितने टाइम बाद पेट जो मतलब ऐसा कि भर के मजा पड़ रहा है, मतलब दर्द नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, दौड़ रखते होता है ना खुल के राहत वाला, मतलब हर बार में दो बार जाता था. अब्दुल्ला रिकॉर्डिंग चल रही है. लोग निकल गए हैं दीपक ताल के लिए होटल से. दीपक ताल यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और करीब करीब आधा घंटे का सफ़र गूगल मैप्स हमें दिखा रहा है. आधे घंटे में इंशाल्लाह हम लोग दीपक ताल पहुँच जाएंगे और उसके बाद फिर हम वहाँ पर थोड़ी देर स्पेंड करेंगे और देन वी विल हेड बैक टू मनाली विच इज़ नियर अबाउट 180 किलोमीटर्स फ्रॉम दीपक ताल. मेरे सामने एक अद्भुत नज़ारा, वो देख सकते हैं आप, एक ब्रिज सामने दिख रहा है, बड़ा ही खूबसूरत सा ब्रिज है. शायद हमें उस ब्रिज को क्रॉस करके सामने वाले पहाड़ पे जाना है, तो मज़ा आने वाला है.
ये देखिए ये रास्ता नीचे जाकर उस ब्रिज में मिल रहा है जो ग्रीन कलर का ब्रिज आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। और ये गए अब्दुल्ला हमारे आगे भागते हुए। ये देखिए हम वहाँ ऊपर से नीचे उतर कर आ गए हैं इस ब्रिज पर। और ये ब्रिज दोनों पहाड़ों को जोड़ता है, एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ वो है। मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना मजा आ रहा है यहाँ पर राइड करने में। वाटर क्रॉसिंग जो कि हमें करनी है पार। मैंने तो कर दी है पार, अब देखना है अब्दुल्ला क्या करते हैं। अब्दुल्ला ने भी कर दी है पार, उमर वाटर क्रॉसिंग करते हुए पार। और अब बारी है भाई की, तारिक साहब की। काफी खतरनाक टाइप की ये वाटर क्रॉसिंग है। वैसे लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पर ज़्यादा पानी था, इस बार कुछ कम है, बट स्टिल वाटर क्रॉसिंग तो वाटर क्रॉसिंग है। बड़े बड़े पत्थर रहते हैं इसके अंदर तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, बट अल्लाह के शुक्र से हमने सक्सेसफुली क्रॉस कर दी है। गए हैं दीपक ताल जो कि है एक छोटी सी लेक, बहुत खूबसूरत लग रही है। रास्ता भी बड़ा अच्छा था, एडवेंचरस रास्ता था, काफ़ी ऑफ रोडिंग करने को मिली, एक दो वाटर क्रॉसिंग्स भी हम लोगों ने क्रॉस करी। इट वाज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस। ओवरऑल रोड बटरी स्मूथ था, बट बीच बीच में पैचेज हैं जो कि ऑफ रोडिंग आपको मज़ा दिलाते हैं। हम और हमारी टीम यहाँ पर आ चुकी है। मिस्टर अब्दुल्ला कैसा लगा आपको भाई? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया है ना, पैसा वसूल, पैसा बहुत मजा आया। और बाइक से तो भाई अच्छी लग रही है, मजा आया, बहुत ठंडी हवा चल रही है, हवा बहुत ठंडी है, चिल्ड है एकदम। और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही अद्भुत, चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ और ये है यहाँ पर दीपक ताल। बस 5-10 मिनट यहाँ पर रहते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, एंड देन वी विल हेड बैक टू मनाली, क्योंकि रास्ते की भी अभी बहुत सारी फुटेज हम लोगों को लेनी है जो हमारी कल रह गई थी। ताल से अब हम लोग जा रहे हैं वापस, फ़ोटो वोटो खिंच गए, वीडियो शीडियो बन गई है। और अब हमें ऐसा कहीं रुकना नहीं है क्योंकि जिस रास्ते से आए थे उसी से जा रहे हैं। भाई जन्नत है, जन्नत सच में, अगर ये ऐसा है तो जन्नत कैसी होगी।
लोगों को दिख पा रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ से पूरे नीचे तक के रूट्स नज़र आ रहे हैं। हमें कहाँ कहाँ से उतर के जाना है, कैसे कैसे जाना है, पूरा देखो ये नीचे रूट जा रहा है, ऐसे पूरे नीचे तक दिख रहे थे ये पीछे से। काफ़ी दूर रह गए हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा देर मुझे वेट करके देखना चाहिए। आ गए, सब लोगों को साथ रहना ज़्यादा अच्छा रहता है, सेफ्टी वाइज भी एक दूसरे की खैर खबर लेते रहना चाहिए। और क्योंकि हम एज ए ग्रुप आए हैं और मैं आगे लीड कर रहा हूँ, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं इन सब का ध्यान रखूँ और इस बात को मेक श्योर करूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ये पुल आता हुआ लोहे का, मुझे इस तरह के जो पुल होते हैं पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे लगा था शायद हम उस पुल के ऊपर से जाएंगे, बट नो वरीज, यहाँ एक छोटा सा पुल है, वो शायद नया ब्रिज बना रहे हैं ताकि इजीली सब लोग जा सकें। हुए हैं अब्दुल्ला भाई की शिशु के लिए, वहाँ पर ये प्यारा सा एक पानी का झरना है जो आप लोग देख सकते हैं। ऊपर कहीं बर्फ़ पिघल रही होगी तो उसका पानी ये नीचे पहाड़ों में होता हुआ आ रहा है और आगे जाके ये नदी में मिल जाएगा किसी। अब्दुल्ला भाई का शुशु हो गया है, हम लोग रेडी टू रोल हैं, चलें भाई, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो भाई रेडी। हम लोग रुके हैं, ये एक प्यारी सी नदी जा रही है इधर से, तो हम लोग सोच रहे हैं इस नदी के साथ अगर कहीं नीचे उतरने का रास्ता हो तो हम एक फ़ोटो खिंचवा लें, लेकिन यहाँ तो खाई काफ़ी गहरी लग रही है। अब्दुल्ला तुम जाके देखो नीचे, आगे देखते हैं फिर कहीं, काफ़ी नीचे है नदी, हमें नीचे उतरना सेफ नहीं लग रहा, तो उतर भी जाएंगे तो इनफैक्ट चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फ़िलहाल तो प्लान कैंसिल और हम लोग चलते हैं अपने रास्ते। ठीक है भैया, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो भाई धन्नो, चलो। पहाड़ों की जो सबसे ख़ास बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि पहाड़ों में हर कुछ किलोमीटर के बाद आप देखते हैं एक नया नज़ारा। अब जैसे थोड़ा सा हम चले हैं, आगे आप देखो हर चीज़ ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है, सारे पत्ते सारे पेड़ सब कुछ ऑरेंज है। भैया ध्यान रखा करो कहाँ चले जाते हो, पीछे से हॉर्न मार रहे हैं, रुकते नहीं हो तुम नहीं, तो ध्यान रखा करो ना, हमें तो आ जाती है, मैं बजाता हूं, आपकी तो ध्यान रखा, हम भी तो जा रहे हैं। एनीवेज लड़का जवान है अभी, जोश में है, छोटा है। दोस्तों अब जो अद्भुत नज़ारा आने वाला है, यही नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था जो कल शाम की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। इतना खूबसूरत नज़ारा ये कि आप लोग यकीन नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो ये पेड़ हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड में कोई पेड़ हैं। लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए बेताब, पूरे सड़क के ऊपर फ़ोटो ही फ़ोटो। भाई अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखो आप लोग, ठीक है एंजॉय करने आए हो, बट सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंजॉय भी तो तभी करोगे जब सेफ्टी होगी दोस्तों।
नाश्ता खाना खाना है कहीं पे? खाना वाना खाना है? अब जो भी कहीं मिलेगा होटल वहीं खाना खा लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी फोटोग्राफी करके हम लोग चल रहे हैं खाना खाने के लिए। जो भी कोई नेक्स्ट समय ढाबा मिलेगा वहीं पर खाना खा लेंगे। फ्रेंड्स फाइनली वी हैव फाउंड आवर होटल, एप्पल ब्लॉसम होटल। होटल जरूर हमें मुश्किल से मिला लेकिन होटल इज वर्थ एवरी पेनी। सस्ता सा होटल है लेकिन रूम देखें, रूम अच्छा है और वॉशरूम भी देख सकते हो आप, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ वो बात अलग है, थोड़ा देर पहले ज्यादा साफ था, मेरे भाई ने जाके थोड़ा उसका मामला खराब कर दिया। तो रूम में हम लोग आ गए हैं, रूम में चेक इन कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं वापस से बाइक्स देने के लिए। पेट्रोल अब्दुल्ला का प्लान है कि हम लोग देखो अगर हमारा नहीं तो फिर प्यारे का भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम चलाएंगे अगर उसमें फूकता है तो ठीक है, जो बचेगा वो फिर हम भूम भूम करके पूरे वो जला डालेंगे, और फिर भी नहीं फूकेगा तो उसकी पूरी फुल स्पीड करके उसमें बंजी कॉर्ड बांध देंगे, सारी रात चलता रहेगा। एनीवेज जोक्स अपार्ट, मज़ा बहुत आया, अच्छी ट्रिप रही और खूब एंजॉय किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई प्रॉब्लम भी हम लोगों को नहीं हुई। अब इस दिन की हम लोग यहीं पे अंत करते हैं इस दिन का और आप लोगों से विदा चाहते हैं। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और हमारी पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी। कल हम लोग वापस घर जा रहे हैं तो ऐसा कुछ हमारे लिए हाँ सही बात है यार, अच्छा नहीं मिलेगा तो कर देना यार, बहुत मेहनत करी बनाने में। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो भी लाइक कर देना या डिसलाइक कर देना या कमेंट कर, चल कुछ भी कर देना, चाहे निगेटिव कमेंट ही कर देना, कुछ भी कर देना ठीक है, लेकिन कर देना प्लीज़ ठीक है। और कल हम लोग वापस जाएंगे घर पर तो ज़्यादा कुछ दिखाने को शायद नहीं होगा क्योंकि उसी रास्ते से आ रहे हैं जिससे जा रहे हैं जिससे आए थे। तो अगर कुछ लगा तो कल वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को, हो सकता है इसी ब्लॉग के एंड में ऐड कर दें क्योंकि ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं होगा, और नहीं हुआ तो हो सकता है सीधे घर जाके आपसे मिले। चलिए फिर टेक केयर, खुदा हाफिज, अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, बच्चों से प्यार करिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ताकि हम नेक्स्ट जब भी कभी कहीं जाएं कहीं पे तो आप लोगों को हमारी जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। चलिए चलो भाई एवरीबॉडी
से बाय बाय, टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफिज।